हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी फूड फैक्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक कुछ अलग ही रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कि घर में रखी हुई रोटियों से हम शाम का नाश्ता कैसे तैयार करें। दोस्तों, तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये हमने चार रोटी ले रखी हैं। ये एक छोटी कटोरी में प्याज है, ये हमने ऑयल ले रखा है, ये राई के दाने हैं दोस्तों, ये हमारी लाल मिर्च है, ये हमने कटी हुई हरी मिर्च ले रखी है, ये सोया सॉस ले रखा है, ये हमने लिया है नमक, ये हमारा है हल्दी पाउडर और ये है दोस्तों हमारा काला नमक। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, हम रोटी को मोड़कर राउंड शेप में कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को मोड़कर इस तरह से राउंड शेप में कर लिया है। अब इसे हम चाकू की सहायता से इसे बारीक काट लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं राउंड शेप में करने के बाद हमें इस तरह से रोटी को काट लेना है। तो दोस्तों, फाइनली रोटी हमारी कट चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम कढ़ाई में ऑयल को ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम राई के दाने ऐड करेंगे। राई ऐड करने के बाद दोस्तों, इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने राई और हरी मिर्च दोनों ऐड कर दी है। अब इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे दोस्तों। और गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स कर दिया हूं इनको। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारी प्याज, आप देख सकते हैं, हल्की ब्राउन हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर के बाद दोस्तों, इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें हल्का सा काला नमक ऐड किया है ऊपर से, तो इसे आप जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें सोया सॉस को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ ऐड कर दी है। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला लगभग पक के रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, मसाला पूरा अच्छे से ब्राउन पक चुका है। उसके बाद जो हमने रोटी को काट कर रखा था, उसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारी रोटी को मिक्स कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमारी रोटी और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और फाइनली हमारा सीक्रेट रेसिपी बनके तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल एमपी फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा सीक्रेट रेसिपी बनके हो चुका है तैयार।